अपराध की गढ़ बनी रायबरेली में प्रेम प्रसंग के चलते सो रहे नाबालिग भाई बहन पर हुआ एसिड अटैक। यूपी का रायबरेली जनपद वैसे तो इन दिनों अपराध का गढ़ बन चुका है, किंतु यदि हम बात महाराजगंज कोतवाली की करें तो भले ही थाने की कमान दो दिन पूर्व SO मनोज सिंह के हाथों सौंपी गई हो, किंतु उनके सामने अपराध को रोकना कम चुनौती नहीं है। दरअसल महाराजगंज थाना क्षेत्र के सूखा गांव में हड़कंप उस समय हड़कंप मचा जब अपने घर के बाहर सो रहे भाई बहन पर एक व्यक्ति ने तेजाब फेंक दिया। नामजद अभियुक्त बबलू लोध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई। दोनों भाई बहन को बेहतर उपचार हेतु लखनऊ रेफर किया गया है। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं SP श्लोक कुमार ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। आशीष श्रीवास्तव, TV इंडिया 3 जिला संवाददाता रायबरेली। क्या परिचय आपका? डॉक्टर SK सिंह, यमुना जिला अस्पताल रायबरेली। सर, एक मामला आया था एसिड का, क्या है पूरा मामला? महाराजगंज CSC से दो केस रेफर आया था, जो कि जले हुए केस था। एक का नाम अमन है, दूसरे का नाम किरण है। अमन करीब 12 साल का था और उसकी बहन है किरण, जिसकी उम्र 17 साल की थी, जो दोनों जले हुए थे। बाकी उसको अमन को एग्जामिन करने पर ही था कि दोनों हाथ पैर में जला हुआ था, बाकी ठीक था, सुपरफिशियल बर्न था, खतरे से बाहर था। बाकी जो किरण थी उसका पूरा करीब 70-80% जला हुआ था, जो सीरियस थी। बाकी मैंने उसको एडमिट कर दिया। एडमिट करने वाले हमारे डॉक्टर आके देखे, सर्जन साहब देखने के बाद उसको लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है, KGMC के लिए। सीरियस कंडीशन था, रेफर कर दिया गया। थाना महाराजगंज के एक गांव से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक भाई बहन जो अपने घर के बाहर सो रहे थे, उन पर एक व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया है। इस संबंध में वादी के तहरीर पर थाना महाराजगंज पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा नामजद अभियुक्त बबलू लोधी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में अब तक यह बात प्रकाश में आई है कि वादी की पुत्री और बबलू लोध के बीच में बातचीत हुआ करती थी और पिछले कुछ दिनों से वादी की पुत्री की शादी की बात कहीं चल रही थी, जिसके संबंध में बबलू लोध द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और वादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। हिरासत में लिए गए अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। दोनों भाई बहन को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।